थोड़ा सा इनके जख्म को दिखाइए कि किस तरीके से इनको मारा गया है, पीटा गया है। ये शरीर पे जो आपको काले काले निशान दिखाई दे रहे हैं, ये उन लोगों के हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि बैकवर्ड कम्युनिटी, बहुजन कम्युनिटी के कोई लोग आगे पढ़ाई करें। हमको ज़रा बताइए कि कितने देर तक आपको सैदपुर हॉस्टल में रखा गया था? 1 से 1.5 घंटे। 1.5 घंटे तक कितने लोग थे जो अटैक कर रहे थे आपको? 15 से 20 लोग थे। यहाँ से 8-9 लोग बाइक से लेके गए थे। अब विश्वविद्यालय तुम छोड़ दो, हो सके तो शहर छोड़ दो। बताइए, हमारा सारा पीढ़ी पटना में ही जन्म लिया, अब हम ही को कहा जा रहा है कि तुम शहर छोड़ दो। राष्ट्रीय जनता दल के तो जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव, वो खुद छात्र राजनीति के उपज हैं, और एक पार्टी वो छात्र राजनीति से ही उभरी हुई पार्टी है, चाहे वो तस्मुलुद्दीन हो, चाहे तमाम छात्र नेता जो आए उस समय के, आलोक कुमार मेहता हो या कोई भी हो छात्र नेता, तो ये पार्टी छात्र आंदोलन से उपजी है। तो हम कभी राजद में आके अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे। बस यही हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल उन वर्गों को आगे ले आया जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी थे, उनको बोलने का मौका दिया। तो हमको कभी नहीं लगा कि हम छात्र राष्ट्रीय जनता दल में कोई नए हैं। भले ही हमारा पृष्ठभूमि वामपंथी रहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल भी समाजवाद की बात करता है और वो लोग भी समाजवाद। आपको लग रहा है कि आप अपने बेटा को फिर से उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाइएगा, उसी कॉलेज? सोच रहे हैं कि पढ़ाइए छोड़ा दें। आप ये सोच रहे हैं क्या करेंगे? अगर सरकार नहीं चाहती है कि बैकवर्ड का बाल बच्चा आगे बढ़े तो वही मंजूर है। तुम यादव हो, तुम याद तो अगर हमारे जात का लोग मराया तो तुम्हारे जात को भी ये करना पड़ेगा। जो घटना घटा है पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास, सैदपुर छात्रावास में घटा, आप सभी को जानकारी होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रावास को बंद कर दिया गया। यानी कि विश्वविद्यालय से हम पूछना चाहेंगे कि आप छात्र को निकाल कर अपराधी को संरक्षण दिए हुए हैं? क्या वहाँ पर अपराधी रह रहा है? सवाल, हाँ, आप लोग जाइए विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछिए, जो भी घटना परिघटना हुई सभी छात्रावास बंद हैं। और ये वही लोग के मानसिकता के लोग कर रहे हैं जिनके बाप दादा लाखों साल रहे हैं, समाज पे वर्चस्व बना है, और उन्हीं में जो लोग कुछ नहीं कर पाए हैं, और जब हम लोग को आज मौका मिला आगे बढ़ने का, वही लोग हम लोग को आके प्रभावित कर रहे हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति का शुरुआत होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव हो, इन सभी किसी की राजनीति पटना विश्वविद्यालय से शुरुआत हुआ है। और आप देख रहे होंगे वर्तमान के दिनों में जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जनता दल यूनाइटेड के साथ में सरकार बना है, तब से देखा जा रहा है कि लगातार छात्रों के साथ में अन्याय बहुत ज़्यादा हो रहा है। पटना यूनिवर्सिटी में आए दिन लगातार ऐसे देख रहे होंगे, कई ऐसे हत्याएं हुए हैं और कई ऐसे छात्रों के साथ मारपीट हो रहा है जिसके बारे में आप सभी किसी को भलीभांति पता है। पटना के PMCH में अमन लाल यहाँ पे एडमिट है, और यहाँ पे बहुत सारे राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता है, जो इन लोगों के साथी है, यहाँ दिखा दीजिए जो छात्र राजद के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष गगन जी हैं, और भी जो राष्ट्रीय जनता दल के साथी है, सभी कोई इन लोगों के साथ में मजबूती से खड़े हैं। बहुत सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ आ रहे हैं, मिल रहे हैं और जा रहे हैं। अमन से पहले शुरुआत करते हैं कि लड़ाई कैसे हुआ और आज यहाँ पे है, आने वाले समय में क्या अब ये पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे या छोड़ देंगे, इन सारे चीज़ों पर बातें होगी। अमन, अभी दर्द कैसा है? अभी तो ठीक है, दवा वगैरह चल रहा है तो सही है, लेकिन दर्द अभी भी है, जो अभी दवाइयों के कारण छुपा हुआ दर्द है। हमें ज़रा बताइए कि शुरुआत कब हुआ और ये मामला क्या था कि इतना ज़्यादा आपको दर्द झेलना पड़ रहा है? शुरुआत है कि कुछ दिन पहले चंदन आया था कोर्ट में बयान देने को लेकर, उसका डेट था, बहुत लोगों ने वीडियो लगाया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जातिगत उसको टारगेट करके उसको चुनाव के रिजल्ट को डाइवर्ट करने के लिए उसको अरेस्ट किया गया था। जो आदित्य राज से चंदन यादव कब हो गया पता नहीं चला हम लोगों को, हमारा बैचमेट, तो सबका एक सहानुभूति होता है, सबका अपना एक होता है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं था, हम तो अपना पढ़ते लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग समाज के ठेकेदार बने हुए हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कैंपस से मतलब है नहीं, हम लोग पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं। वही कल का बात था, 3:30 बजे जब अपने कैंपस से निकल रहे थे, उसी समय वो आया हमसे मिला, हम तो सबसे अच्छा से मिलते, उससे भी क्या भाई कैसे क्या, हो क्या नाम है जिनसे मिले आप? केशव ठाकुर था, केशव ठाकुर, और उसके साथ सैदपुर छात्रावास के बच्चे थे। तो केशव ठाकुर कौन से बैच के हैं, ये पूरा डिटेल्स बताइए थोड़ा। बैच के वो 21-24 के ही बैच के हैं। सब्जेक्ट क्या है उनका? सब्जेक्ट नहीं मालूम क्योंकि वो किस कॉलेज से आते थे ये नहीं, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वो। अच्छा, तो आपसे वो कंटिन्यू आपसे बातें हैं उनसे? हाँ, अच्छे बात नहीं, मतलब कि आप कैंपस में मिलते जुलते रहता था, लेकिन ऐसा कोई दोस्ती नहीं था, सबसे मिलते जुलते हम लोग, हम लोग का संस्कार ही वही है कि कभी किसी को जाति या धर्म के नाम पर नहीं भेदभाव किए। अच्छा,
लेकिन अब कल आया और बोला कि तुम चंदन यादव को छोड़वाएगा। चंदन यादव कौन है, तुम्हारा जात का है, तुम ही हर्ष मर्डर केस में हो, ये वो। जब तक ऐसा कुछ नहीं है, जिस दिन हर्ष का मर्डर हुआ उस दिन हम मीसा भारती दी के जहाँ वार रूम था वहीं पे कैंपेनिंग सारा हम बूथ मटेरियल बना रहे थे। अच्छा, तो कहीं से नहीं है कि हम कभी रहेंगे भी नहीं ये सब कार्य में। छात्र राजनीति करते हैं, छात्र राजनीति तार्किक बातों पे होती है, हम हिंसा पे विश्वास वाले करने वाले लोग नहीं है। ठीक है, चाहे हम आज छात्र राजद में या उससे पहले ISF में, आज तक कभी हमने हिंसा का ये नहीं लिया सहारा नहीं लिया, तो हम कैसे किसी को कोई छात्र नेता को मारेंगे। बस ये था कि जो हर्ष के असली मृत्यु जो उसको मतलब मर्डर किए जो आरोपी है वो पकड़ाने चाहिए, एक बात था। चंदन से कोई उस तरह का लगाव नहीं है कि मतलब अगर वो गलत भी करेगा तो उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक सहानुभूति थी कि वो भी वोकेशनल कोर्स का छात्र था और ये भी वोकेशनल कोर्स का छात्र था, दोनों एक ही साथ एग्जाम दे रहा था, फ़ोन उसका ट्रेस हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो कोर्ट फैसला लेगा वही अंतिम, लेकिन हमको मारा गया इसीलिए कि पिछले तीनों छात्र राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के साथ आए दिन मारपीट कैंपसेस में हो रही है, चाहे वो रवि भूषण भैया हो या रवि रंजन ठाकुर हो या हम हो या कोई भी पिछड़े समाज का कोई कार्यकर्ता है या अल्पसंख्यक बच्चा, उन सबों को टारगेट किया जा रहा है। और ये वही लोग के मानसिकता के लोग कर रहे हैं जिनके बाप दादा लाखों साल रहे हैं, समाज पे वर्चस्व बना है, और उन्हीं में जो लोग कुछ नहीं कर पाए हैं और जब हम लोग को आज मौका मिला आगे बढ़ने का, वही लोग हम लोग को आके प्रभावित कर रहे हैं। अच्छा, आपको यहाँ से उठा करके सबसे पहले कहाँ लेके गए? हमको सबसे पहले मेरे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से एनी बेसेंट के रास्ते से BM दास होते हुए हमको वो लोग पैरामाउंट के कोचिंग के समीप से हमको लेके गए थे। ठीक है, कहाँ लेके गए? वो अपने हॉस्टल ले गए थे, सैदपुर हॉस्टल। हाँ, यहीं पे हमको पिस्टल तान दिया गया था, 3 पिस्टल। तो हम कुछ कर नहीं पाए, हम बदहवास हो गए, कुछ बोल नहीं पाए, हम क्या बोलते हैं। आपके साथ कोई और नहीं था? थे लोग, लेकिन वो लोग भी क्या करेंगे, वो लोग भी पढ़ने आए, हम लोग पहली पीढ़ी के छात्र हैं अपने परिवार से। आज तक हमारे घर से कोई यूनिवर्सिटी नहीं आया है, हम लोग इतना हिम्मत करके आए हैं, तो क्या हिम्मत करेगा किसी को ये करने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके परिवार के कोई कलम किताब पकड़ने वाले लोग हैं, हथियार पकड़ना रहता तो मतलब कि रणभेर में रहते हैं, विश्वविद्यालय में थोड़े रहते हैं। अच्छा, हमको जरा बताइए कि कितनी देर तक आपको सैदपुर हॉस्टल में रखा गया था? 1 से 1.5 घंटे। 1.5 घंटे तक कितने लोग थे जो अटैक कर रहे थे आपके ऊपर? 15 से 20 लोग थे, यहाँ से 8-9 लोग बाइक से लेके गए थे। 8-9 बाइक था? नहीं, 8-9 लोग थे, 3 बाइक था। 3 बाइक से आपको वहाँ लेके गए और उसके बाद लगातार 1.5 घंटे तक पीटे, क्या बोल रहे थे? वही कि तुम यादव हो, तुम तो अगर हमारे जात का लोग मराया तो तुम्हारे जात को भी ये करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान नहीं, तुम्हारा भी हत्या होगा, ये होगा वो होगा। खैर मनाइए कि अब्दुल हलीम सर जो पीर बहोड़ के जो हैं SHO, उनसे अच्छा रिलेशन है, वो उनको ये बात पता चली तो अपने थाना को तो इन्फॉर्म किए ही, एक आम नागरिक के रूप में उन्होंने 112 को भी कॉल किया और बहादुरपुर थाने का। अच्छा, वो तो पिस्टल कॉक कर ही दिया था मारने के लिए, लेकिन उतना देर में वो आ गया पुलिस लोग और मुझे रड से भी मारा गया, लाठी डंडे बेत सबसे मारा गया। एक बार थोड़ा सा इनके जख्म को दिखाइए कि किस तरीके से इनको मारा गया है, पीटा गया है। ये शरीर पे जो आपको काले काले निशान दिखाई दे रहे हैं, ये उन लोगों के हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि बैकवर्ड कम्युनिटी, बहुजन कम्युनिटी के कोई लोग आगे पढ़ाई करें। ये एक लाइन बड़ी मार्मिक, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम अपने परिवार के, अपने खानदान के पहले पीढ़ी के लोग हैं जो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आए हैं, अगर हमें लड़ाई करना होता, हथियार उठाना होता तो हम रणभूमि में होते, हम स्कूलों में जा करके, कॉलेजों में जा करके पढ़ाई नहीं कर रहे होते। विश्वविद्यालय तुम छोड़ दो, हो सके तो शहर छोड़ दो, बताइए हमारा सारा पीढ़ी पटना में ही जन्म लिया, अब हम ही को कहा जा रहा है कि तुम शहर छोड़ दो, ये तो क्या ये अमन अब आने वाले समय में डर जाएंगे या डट करके सामना करेंगे, हम ये जानना चाहते हैं। डट कर आज ये पहली बात नहीं है, हम ऐसे परिवार से आते हैं जो जिनके पास अपना रहने के लिए जमीन नहीं था, हम लोग भूमिहीन परिवार से, तब हम लोग संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं, और हम लोग असली यहाँ के जो हैं बासिंदे, हमको अगर कोई भगाने का वो बेवकूफ़ी बड़ा बात, उसको आना पड़ेगा पटना, लेकिन हम पटना में हैं और पटना में ही रहेंगे। आप डरे नहीं इस चीज़ों से जो भी आपके साथ हुआ, इससे अभी भी डरे नहीं? परिस्थिति कमज़ोर है लेकिन आप डरे नहीं? ऐसा मेरे साथ एक बार इन कॉलेज में भी इन्हीं सामंती मानसिकताओं ने मेरे पे हमला कर चुके, एक
कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका स्वरूप बड़ा था, इसका उद्देश्य राजनीतिक था और जाति और सामंतवादी सोच का था। हम जिस संगठन में पहले थे वो भी छात्र राजनीति का फादर ऑफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, स्टूडेंट मूवमेंट इन इंडिया। अच्छा। और राष्ट्रीय जनता दल के तो जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव, वो खुद छात्र राजनीति के उपज हैं, और एक पार्टी वो छात्र राजनीति से ही उभरी हुई पार्टी है, चाहे वो तस्मुलुद्दीन हो, चाहे तमाम छात्र नेता जो आए उस समय के आलोक कुमार मेहता हो या कोई भी हो छात्र नेता, तो ये पार्टी छात्र आंदोलन से उपजी है। तो हम कभी राजद में आके अपने आप को कमजोर नहीं समझे, बस यही हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल उन वर्गों को आगे ले आया जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी थे, उनको बोलने का मौका दिया। तो हमको कभी नहीं लगा कि हम छात्र राष्ट्रीय जनता दल में कोई नए हैं, भले ही हमारा पृष्ठभूमि वामपंथी रहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल भी समाजवाद की बात करता है और वो लोग भी समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद की बात करते, क्या समाजवादी पार्टियां जो आज के समय में बिहार में है, ये सारे लोग आपका मदद कर रहे हैं, ऐसे में ऐसे स्थिति में बढ़ चढ़ करके आपका मदद कर रहे हैं, आ रहे हैं पार्टी के लोग आपसे मिलने आ रहे हैं? जी मिलने आ रहे हैं, आरजेडी का डेलीगेशन आया था, गगन भैया, बसंत भैया और जो भी छात्र राजद के नेता हैं, निशांत भैया, सब आके मिल रहे हैं, जैसे जिनको जो सहयोग हो रहा है कर रहे हैं, पार्टी बहुत अपने तरह से जो भी हो वो लोग साथ हैं, ऐसा नहीं है कि हमें अनाज छोड़ दिया गया, हमारा परिवार राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है हमारे साथ। आपको हिम्मत दे रहा है राष्ट्रीय जनता दल? हिम्मत दे रहा है, गरीबों पिछड़ों हम लोग उसी समाज से हैं, उसी के बल को आगे बढ़ाने का बात हमारा दल करता है। चलिए, ये अमन हुए, अमन के साथ साथ हम ये भी बातें कर लेंगे कि जो गगन जी हैं उनसे बातें करेंगे कि छात्र राजद में जिस तरीके से छात्र राजद के एक कार्यकर्ता है और इनको इस तरीके से पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो छात्र राजद का भी क्या स्टैंड है, क्या आने वाले समय में ये SSP के पास जाएंगे, SP के पास जाएंगे, पटना SP से जा करके मिलेंगे और इस मामले में बातचीत करेंगे, कहां तक बातचीत हुई है, ये सारी चीज़ें इनसे जानेंगे। गगन जी, आपके एक मजबूत साथी को पीटा गया, मारा गया, इसको कैसे देख रहे हैं और आप आने वाले समय में क्या स्टैंड लेने वाले हैं? देखिए, कल जो घटना घटी है, पूरे पटना विश्वविद्यालय को इस घटना ने शर्मसार कर दिया है। हम लोग को ऐसा उम्मीद था ही नहीं, क्योंकि अमन जो है बहुत ही सीधा साधा पढ़ने लिखने वाला लड़का था। आज तक इसके बारे में कोई कह ही नहीं सकता कि किसी से आज तक झगड़ा हुआ है। हमने भी सड़कों पर देखा है किस तरीके से ये प्रोटेस्ट में रहते हैं। बहुत ही वैचारिक लड़का है और इसको जिस तरह से कुछ सामंतियों ने एक जातिगत रूप दे दिया और इसको टारगेट करके, अगवा करके जिस तरीके का इसके साथ व्यवहार किया, यह अमानवीय व्यवहार है। और अमन के साथ हम लोग पूरे पार्टी के लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। कल हम अपने नेता शीर्ष नेतृत्व को भी जानकारी दे दिए थे, आज भी प्रदेश नेतृत्व को जानकारी दे दिए हैं और पूरे पार्टी के लोग जो है अमन के साथ खड़े हैं मजबूती के साथ। और SP से भी बात हुई है, SSP से भी बात हुई है और FIR भी हो चुका है और हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग जो है पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालय को अनिश्चितकालीन तक बंद करेंगे, कहीं चलने नहीं देंगे अमन के लिए, बिल्कुल। मेन बड़ी बात है कि ये जो घटना घटा है पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास, सैदपुर छात्रावास में घटा, आप सभी को जानकारी होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रावास को बंद कर दिया गया, यानी कि विश्वविद्यालय से हम पूछना चाहेंगे कि आप छात्र को निकाल कर अपराधी को संरक्षण दिए हुए हैं, क्या वहाँ पर अपराधी रह रहा है? सवाल, हाँ, आप लोग जाइए विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछिए, जो भी घटना परिघटना हुई सभी छात्रावास बंद हैं, उस समय छात्र को निकाल कर आप अपराधी को संरक्षण दिए हुए हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा की मंदिर है, इस तरह से जो घटना घट रही है बहुत ही निंदनीय है। यहाँ पर कलम, हम लोग का हथियार कलम, किताब, कॉपी है, न कि पिस्टल वगैरह है। अमन को हम बहुत पहले से जानते हैं, जब ये AN कॉलेज में पढ़ाई करता था, ये संघर्षशील छात्र है और छात्रों का आवाज़ बनकर उभरा हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी है कि इस तरह के लोगों को दबाया जाए ताकि छात्रों का आवाज़, बहुजन समाज का आवाज़ जो है उठा ना सके, जो आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हर एक जगह है, आप ये विश्वविद्यालय है, कहीं भी आप जाइएगा, ये लड़ाई 1990 से पहले जो हुआ था ये 2024 के भारत में भी हो रहा है, इसका खमियाजा कहीं ना कहीं हर एक बैकवर्ड समाज भुगत रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष रंजन हुआ, पटना लॉ कॉलेज के छात्र हैं। अमन के पिताजी हैं, अमन के पिताजी से भी थोड़ी सी बातें होगी कि हाँ, ये क्या आपने कभी ये एज्यूम किया था कि इस तरीके से हमारे बेटे के साथ हो जाएगा, सोचा था? ये तो समाज सेवी एक लड़का है,
कभी हम ऐसा कहीं भी इसका ट्रैक देख लीजिए, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पढ़ने वाला छात्र है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड के बात करते हैं तो ये मैट्रिक से लेके अभी तक ग्रेजुएशन तक फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। अगर जिसका बैकग्राउंड असामाजिक तत्व पर रहेगा वो बच्चा कभी भी फर्स्ट डिवीजन से नहीं पास करेगा, और वो भी फर्स्ट डिवीजन में अच्छे मार्क से अच्छे परसेंट से पास करता है बच्चा मेरा। आपने सोचा था कि आपके बेटा को ये दिन भी देखना पड़ेगा, संघर्ष करने के चलते ये भी दिन देखना पड़ेगा? कोई फादर गार्जियन ऐसा सोचता है थोड़ी है। तो क्या अब आपको लग रहा है कि आप अपने बेटा को फिर से उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाइएगा, उसी कॉलेज? सोच रहे हैं कि पढ़ाइए छोड़ा दें। आप ये सोच रहे हैं, क्या करेंगे? अगर सरकार नहीं चाहती है कि बैकवर्ड का बाल बच्चा आगे बढ़े तो वही मंजूर है हमको। नहीं नहीं, आप अपने आपको ये लोग हिम्मत देंगे, और हमें नहीं लगता है कि आपको ये शब्द कहने की ज़रूरत है। आपका बेटा बहुत कम उम्र का है और वो कह रहा है कि हम लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, तो आपको भी थोड़ा सा हिम्मत देने की ज़रूरत है, है ना? छात्र हैं हम, गार्जियन हैं, भुगतना तो हमको पड़ेगा जी। कैसे हम उसको कॉलेज तक भेजते हैं, उसका भार हम कैसे उठाते हैं, ये तो हम जान रहे हैं ना। चलिए, तो यही कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं कि समाजवादी है, और राजनीति होनी चाहिए, शुद्ध राजनीति होनी चाहिए, मिलावटी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बैकवर्ड कम्युनिटी के लड़के अगर आगे बढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटियों में किस तरीके से उन्हें पीटा जा रहा है। प्रथम पीढ़ी के ये अपने परिवार में कह रहे हैं कि पहले पीढ़ी के हम व्यक्ति हैं जो पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं, इनके पुरखे, इनके पूरे खानदान ने कभी पटना यूनिवर्सिटी का मुँह नहीं देखा, और जिनके बच्चे आ रहे हैं मुँह देखने के लिए, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो उनको ज़बरदस्ती रॉड से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इवन तुम पटना छोड़ दो। और ऐसे स्थिति में अब देखना है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, और उनके साथ साथ उनके पार्टी के जो लोग हैं कितना बढ़ चढ़ कर मदद कर रहे हैं, और जो दोषी है उनको कहां तक न्याय, उन लोगों को कहां तक सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। इन सारे चीज़ों पर आगे भी बातें होगी, आगे हम फिर से एक बार कंटिन्यू आपको दिखाएंगे कि हाँ आगे क्या स्टैंड लिया जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।